खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। राजस्थान में महाराणा प्रताप को लेकर बड़ा संग्राम छिड़ गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप के जोड़े गए पाठ पर समीक्षा के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा सरकार के दौरान देवस्थान बोर्ड के पूर्व सदस्य रहे जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर शिक्षा मंत्री अपने बयान के लिए माफी नहीं मानते हैं तो बीजेपी सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता की मिसाल दी जाती है और पूरे भारत में उनके इतिहास की गौरव गाथा सुनाई जाती है। ऐसे में शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया बयान की किताबों में महाराणा में संबंधित पाठ की समीक्षा होगी, वो काफी निंदनीय है। सो इफ यू वांट टू एक्सप्लेन अ स्पोक्सपर्सन और टेस्टिमोनियल वीडियो फॉर योर बिजनेस और मेक एनी काइंड ऑफ प्रमोशनल वीडियो, वी आर ऑलवेज जस्ट अ कॉल अवे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। सैनी ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर निशाना साधते हुए कहा था कि महापुरुषों के इतिहास को लेकर समीक्षा करने का बयान काफी निंदनीय है। डोटासरा ने फिर से महाराणा प्रताप महान के मुद्दे पर बयान देकर लोगों की भावनाओं को आहत किया है। सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आम जनता कांग्रेस को इसका जवाब निश्चित देगी। राजनीति की हम करते हैं सारी बात, हर शख्सियत से यहाँ करते हैं मुलाकात और राजस्थान की करते हैं पूरी बात। इस चैनल में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमारी टीम का हौसला बढ़ाइए।